तो आज एमएस वर्ड के अंतर्गत हम देखने वाले हैं इसका होम टैब। इसको हम मेन्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे ड्रॉप अप आता था जिसमें ड्रॉप डाउन पॉप अप खुलता था। 2003 तक मामला ये था जो वर्जन आया इसका। फिर 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने मेन्यू सिस्टम को व्यू जो है चेंज कर दिया। अब इस प्रकार का टैब सिस्टम आता है और इस पर हर एक आइकॉन्स पर, हर यूटिलिटीज पर, हर ऑप्शन पर काम किया। हालांकि पहले भी इस प्रकार का मामला था, लेकिन वो एक पॉपअप में खुलता था तो उस ऑप्शन को सब ऑप्शन में देखना पड़ता था कि कहाँ से ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अब वर्तमान समय अधिकांश तो ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलते हैं और इन आइकॉन को इस प्रकार से बनाया गया है कि उन आइकॉन के रूटीन को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये क्या काम करेगा, इसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक टैब में खुलता है। तो यहाँ पर आपको टैब जो मिलते हैं वो है होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब। ये ड्रॉ भी एक नया करते हैं, शायद आपके सिस्टम में अवेलेबल भी नहीं हो क्योंकि इसमें पेंटेक लगा हुआ है। नए वर्जन 2013 में एक नया ऑप्शन ये दिया गया है, तो डिजाइन के लिए दिया गया, अच्छा ऑप्शन दे दिया गया, पर ये इसका प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलेगा, आपके सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और डिजाइनिंग है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, तो हर कार्य को कार्य के हिसाब से उस मेन्यू सिस्टम का नाम दिया गया। हम एक के बाद एक सब टैब को देखेंगे। तो सबसे पहला जो टैब है हमारा वो है होम टैब। होम टैब के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। तो कट कॉपी पेस्ट का यूज हमने वर्डपैड डॉटपैड में भी देखा, जो एक बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ये कंप्लीट एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, यहाँ पर उससे संबंधित डॉक्यूमेंट फाइल से संबंधित पूरे कंटेंट ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट के भी एडवांस ऑप्शन दिए गए। कट और कॉपी तो वही, लेकिन जो पेस्ट का फॉर्मेट है वो अन्य फॉर्मेट में होता है। चलिए, थोड़ा सा जो व्हाइटनेस है इसके कारण डिस्प्ले प्रॉपर नहीं आ पाता है, तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, बाकी आप व्हाइट बैकग्राउंड प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं। ये हमने बैकग्राउंड ले लिया सिर्फ व्हाइटनेस को कम करने के लिए, बाकी इसका इससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, आप व्हाइट बैकग्राउंड पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए रैंडम डेटा हम लेते हैं, और डेटा की साइज बढ़ानी हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करिए, डेटा की साइज कम करनी हो तो लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन इसके शॉर्टकट है, तो प्रॉपर डेटा दिखाई दे इसलिए हमने यूज़ किया है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। और रैंडम डेटा लेने के लिए हम इक्वल रैंड कमांड का यूज़ करेंगे, कोष्टक बंद, और इक्वल लगाना है, रैंड लिखना है, कोष्टक खुला और कोष्टक बंद करके फिर कर्सर यही होना चाहिए, इसके पहले इधर होगा तो नहीं आएगा। एक फंक्शन है ये जो सिस्टम को कॉल करता है रैंडम डेटा के लिए, एंटर करेंगे तो कुछ हमें रेडीमेड मिल जाएगा। हालांकि रेडीमेड डेटा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कोई थोड़ा कोई यूटिलिटी देखना हो तभी इसका यूज़ करें, बाकी अदरवाइज यदि हम बात करें तो इस डेटा का यूज आपको नॉर्मली यानी हर प्रैक्टिकल में इसको नहीं बुलाना है, आप टाइप करें क्योंकि हम वो लोग हैं जो बना करके खाते हैं, है ना। तो आप पहले डेटा बनाएं, टाइप करें, फिर उसका यूज़ करें, ठीक है ना। नहीं तो आप डेली वही प्रैक्टिकल किया चले गए तो स्पीड नहीं बढ़ेगी टाइपिंग की। और इसमें भी एक टाइपिंग का है कि इंग्लिश टाइपिंग की आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप क्या करिए, रैंडम एक पैराग्राफ ले लीजिए, फिर यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करिए, इसी पैराग्राफ को यहाँ पर टाइप करिए देख देख करके इसको, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। चलिए, अब हम सबसे पहले करते हैं डेटा की कॉपी। जैसे हमें इस डेटा को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का तरीका माउस से हमने क्लिक किया, और अब आप कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर सकते हो, इसका शॉर्टकट है, या कॉपी पे भी जा सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके भी आप इस डेटा को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका जो सिलेक्ट करने का है, पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करिए, वो ऑब्जेक्ट उतना उतना सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको इसके बाद यानी कर्सर से इधर का डेटा सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ में एरो प्रेस करिए, शिफ्ट प्रेस करना है और एरो, ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। और इधर का डेटा लेना है तो शिफ्ट के साथ में इधर का आप सिलेक्ट करिए, लेकिन हमें पूरा ही करना है तो फिर हम कर्सर को पहले यहाँ रख लेंगे, यहाँ रखने के बाद शिफ्ट के साथ में एरो डाउन करेंगे तो लाइन वाइज होगा, एक लाइन छोड़ना है तो ऊपर अब लाइन छूटेगा, इसमें कोई डेटा छोड़ना है तो शिफ्ट प्रेस किया, ठीक है। केवल माउस से आप प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पाते, एक 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 को सिलेक्ट करने जाता पूरा हो जाता है, ऐसा मूवमेंट होता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करिए,
सिलेक्ट करने के बाद यदि साइज इतने का ही बढ़ा है तो वही कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप कर सकते हैं, बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी कर सकते हैं, बोल्ड हो जाएगा। पर फिलहाल कॉपी करना है तो हम कंट्रोल सी करेंगे, डेटा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद कहाँ ले जाना है वहां कर्सर आप रखिए, जैसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं, ये यहाँ पर डेटा क्या हुआ पेस्ट हो गया। अब ये नॉर्मल कॉपी पेस्ट हुआ, नॉर्मल डेटा तरीके से जो डेटा था एज इट इज हमारा पेस्ट हो गया। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्पेशल पेस्ट करना है, तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल दिया गया और यहाँ पर आइकॉन्स दिए गए। पहला तो हमारा फॉर्मेटिंग, यानी पहला जो डेटा है हमारा विद फॉर्मेटिंग होगा। विद फॉर्मेटिंग मतलब क्या, जैसे हमारे हमने इस डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, उदाहरण के लिए फॉर्मेटिंग में कलर भी आता है, बोल्डनेस भी आता है, वो सारी चीजें आती है। जैसे हमने इसको बोल्ड भी किया, कुछ डेटा हमारा नॉर्मल है, और हमने इसका कलर भी कर दिया, एनी कोई भी कलर आप इसमें ले सकते हैं, जैसे मैं येलो ले लेता हूँ, ठीक है। जब हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो कॉपी के साथ में डेटा की भी कॉपी होगी और उसकी फॉर्मेटिंग की भी। उसकी फॉर्मेटिंग मीन सेंस उस पर जो फॉर्मेटिंग थी, उसका जो साइज था, उस पर जो बोल्डनेस था, उसके ऊपर जो कलर था। लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि हमें सिर्फ डेटा ही चाहिए, अभी कॉपी वही डेटा कॉपी है और हमें सिर्फ ओनली सिर्फ डेटा ही चाहिए, तो हम कर्सर पे जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मार्जिन फॉर्मेटिंग। इसमें आप देखेंगे तो अब डेटा तो आया है लेकिन किसा विदाउट फॉर्मेटिंग, उस पर कलर वगैरह नहीं आया है। फॉर्मेटिंग में बोल्डनेस वगैरह आया लेकिन कलर इसमें नहीं आया है। तो यदि ऐसी स्थिति हमें चाहिए कि हमें डेटा डेटा चाहिए तो हम ओनली डेटा कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आप इसको इमेज के रूप में कर सकते हैं। एक और यहाँ पे ए टेक्स्ट भी दिया गया, मुझे लगता है नॉर्मल एकदम होगा, कीप टेक्स्ट ओनली, हाँ ये नॉर्मल ही होगा, इसमें बोल्डनेस भी नहीं रहेगी। कर्सर रखा हमने और लास्ट वाले ऑप्शन बीच को भी छोड़ रहा हूँ, कीप टेक्स्ट ओनली, ओनली टेक्स्ट आया, उस पर बोल्डनेस वगैरह जो फॉर्मेटिंग प्रॉपर खत्म है, कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं आई। 2013 में सिर्फ डेटा टेक्स्ट और इमेज का ऑप्शन था, इसमें नए ऑप्शन इसमें जोड़ दिए गए। 2007 में भी था ये, और 13 में, 16 में, और ये 19 वर्जन आपके इसमें 13 का प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, तो हमारे इसमें 365 लाइसेंस वर्जन इसमें इंस्टॉल है। 19 वही वर्जन है, अपडेट वर्जन उसका 365 है, जिसके अंतर्गत कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज भी दिए गए और खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिक्स पर इस पर काम किया है। तो आपके सिस्टम में हो सकता है कि 365 भी हो, 19 हो, 13 हो, 2007 है तो 2007 से लेकर सारे वर्जन पर काम कर पाएंगे। 2003 पे तो आप बखूबी कर पाएंगे लेकिन उसमें कई ऑप्शंस, कई जो सर्विसेज है वो आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे अभी आगे हम डिजाइनिंग लेआउट देखेंगे तो डिजाइनिंग लेआउट 2007 में भी नहीं है, जो 10, 13 और 16, 19 इनमें जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन डेवलपमेंट करके हमें दिया है। दूसरा होता है इमेज के रूप में, है टेक्स्ट लेकिन हमें एक इमेज कन्वर्शन शिफ्ट करना है। जैसे इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान कुछ शब्दों को सर्च करता है, फाइंड, देन उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। हमें कोई फाइंड और रिप्लेस करना है तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे हम, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, फाइंड विंडो आएगी, इस फाइंड विंडो में हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने लिया यू, ठीक है, तो सारे यू को फाइंड करके उसने दे दिया कि कहाँ कहाँ यू लिखा हुआ है। अब हमें इसको रिप्लेस करना है तो हम इसको रिप्लेस पे ले जाते हैं और रिप्लेस विंडो में यू को कोई भी कर सकते हैं, यू आर कर सकते हैं, यू को तू कर सकते हैं, टी, जो भी हमें करना है। ये तो एग्जांपल दिया मैंने आपको, यानी हमें किसी अन्य उसमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे। तो जैसे हमने रिप्लेस किया, 53 रिप्लेसमेंट यहाँ पर सिस्टम ने कर दिया, सब गलत गड़बड़ हो गया, तो हमारा कोई भी डेटा कोई भी गलत कर सकता है, जैसे आमिर खान ने उस मूवी में किया था, है ना। तो इसी प्रकार हम हमारे सिस्टम में हो सकता है कोई और व्यक्ति कर सकता है, तो हम चाहते हैं कि हमने जो डेटा बनाया है ये फाइनल स्टेज का है, अब कोई भी इसमें करेक्शन ना कर पाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि आप भी इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमने जो फाइल बनाई है और वो इमेज फाइल हो गई, अब हम कोई करेक्शन चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में कर पाएंगे, लेकिन सेव करने के बाद यदि इमेज फाइल बना दिया, क्योंकि वो डेटा नहीं रहेगा, वो इमेज हो जाएगा, इस पे आप, इसमें आपको अभी की स्थिति में स्पेलिंग मिस्टेक है, दिखा रहा है, रेड लाइन प्रतीक होता है स्पेलिंग मिस्टेक का, ग्रीन लाइन होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक का। तो यहाँ पर यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, अभी कोई संशोधन चाहते हैं तो बखूबी आप कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इसको कट कर ले, कॉपी ना करते, मैं कट कर रहा हूँ अभी फिलहाल,
कट किया और पेस्ट की स्थिति में हम गए और पेस्ट इमेज किया। अब देखो आपको गलती दिखाई देगी। अब इस डेटा में अंतर क्या है? असल में डेटा रहा नहीं, ऐसे तो डेटा है, कॉम्बिनेशन तो डेटा ही कहलाएगा हमारा पूरा, लेकिन अंदर हम देखेंगे तो ये टेक्स्ट नहीं रहा। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पूरा एक इमेज हो गया। जैसे एक पिक्चर आप लेते हैं, सेम उस प्रकार का आपका डेटा हो गया। अब आप भी सेव संशोधन नहीं कर पाएंगे, कोई और व्यक्ति भी इसमें संशोधन नहीं कर पाएगा यदि आपने इसको सेव कर दिया है। हाँ, डिलीट कर पाएंगे डेटा को, और कोई भी एडिट आपको करना है तो अब आप नहीं कर सकते। प्रिंट निकालेंगे, आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन क्या नहीं कर सकते आप, संशोधन मॉडिफिकेशन अब आप इसमें संभव नहीं है फिलहाल के लिए। अभी हमने फाइनल नहीं किया इसके पहले, अभी हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं तो डेटा चला जाएगा, ये अंडू होता है। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो डेटा पुराना टेक्स्ट वाला जाएगा, अभी कर पाएंगे। टच काम नहीं कर रहा है, कुछ मामलों में टच काम कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट हमें दिया गया, चार फॉर्मेट यही दिया गया, बाकी पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे तो वहां पर भी यही मिलेगा। एक एचटीएमएल फॉर्मेट भी होता है, हालांकि उसका यूज हम यहाँ पर बहुत कमी करते हैं। तो इस प्रकार से आप अन्य फॉर्मेट में डेटा को पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर। कई मामलों में ये आइकॉन आपके एग्जाम में, जैसे सीबीएसई का एग्जाम, उसमें बना दिया जाता है कि निम्न फॉर्मेट को क्या कहते हैं या निम्न फॉर्मेट की उपयोगिता बताएं, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो फॉर्मेट पॉइंटर का यूज क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो पहले फॉर्मेट पॉइंटर का यूज देखने के पहले हमें डेटा की फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, हमने डेटा सिलेक्ट किया और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसका फॉन्ट भी चेंज कर रहे हैं, थोड़ा फॉन्ट हमने ले लिया और इसका साइज भी हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ हम इस पर कलर भी कर देते हैं, कोई भी कलर। ठीक है, कुछ डेटा पर हम कोई और दूसरा कलर लेते हैं, सिलेक्ट किया और इसका कोई और कलर हम ले लेते हैं, हम रेड कलर या फिर येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमने ये डिजाइनिंग स्टाइल ठीक ठाक बनाई और जो सेम फॉन्ट है वही हम इस पे चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इस फॉन्ट को देखें कौन सा है, बर्लिन फॉन्ट है, फिर साइज भी देखें आप, फिर उसका कलर भी देखें और हर एक को सिलेक्ट करें। कैसे सिलेक्ट किया डेटा को, फिर हम बोल्ड किया, फिर हम उसके फॉन्ट सिलेक्शन में गए, वो सिलेक्ट किया, फिर साइज भी उसके 18 थी तो हमने पहले देख के आए तब जा करके याद रखा और फिर वो किया, फिर उसका कलर हम मैच करने की कोशिश करें। कई मामलों में हो सकता है कि मैच नहीं हो, अभी तो ठीक है हो रहा है, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है। तो हम इन सब की अपेक्षा चाहते हैं कि सेम रिजल्ट रह जाए बिना कोई ज़्यादा झंझट के, जो क्लिक है हमारी वो बच जाए कम समय में, क्योंकि वर्तमान समय में स्मार्ट वर्क का जितना आप फास्ट काम करेंगे उतना अच्छा है। तो हम क्या करें, उसकी अपेक्षा हम इस ऑप्शन को, इस फॉर्मेटिंग पर कर्सर रखें, फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक करें और किसके ऊपर पॉइंटिंग लागू करना उसको सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। डेटा वही है लेकिन डेटा के ऊपर की जो फॉर्मेटिंग थी उसकी कॉपी यहाँ पर की गई। एक होता है डेटा की कॉपी करना, दूसरा होता है डेटा की फॉर्मेटिंग की कॉपी करना। जैसे अभी हमने डेटा की कॉपी किया था, उस समय में हमने उसकी फॉर्मेटिंग को छोड़ दिया, हमने टेक्स्ट पेस्ट करना है तो टेक्स्ट कर पाए। अब हमें चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो पुराना डेटा है लेकिन इस डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग कलर ये वाला हो जाए। जैसे एक और लाइन को हम देखते हैं क्या किया, पूरे को सिलेक्ट कर भी ले नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने इतना यहाँ है मतलब ये सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पॉइंट को क्लिक किया, किसके ऊपर लागू करना, माना कि हमें इस देन चॉइस वाली लाइन पर करना। आप देखेंगे लाइन, ये लाइन तो अलग है, फॉर द लिखा है, इसमें देन लिखा, हमने क्लिक छोड़ा, जैसे छोड़ा डेटा वही है लेकिन फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। तो किसी डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ऐसे शॉर्टकट बहुत भी पूछे जाते हैं। यदि आप इसका शॉर्टकट देखेंगे तो बोल रहा फॉर्मेट पॉइंटर का शॉर्टकट को, फॉर्मेट पॉइंटर की कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट वी। डेटा की कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज करते हैं लेकिन डेटा की फॉर्मेटिंग की कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करते हैं। ठीक है, बखूबी सीबीएसई एग्जाम में कॉपी पेस्ट नहीं पूछा गया लेकिन फॉर्मेटिंग के लिए ये पूछा गया। कई मामलों में लिखा था कि डेटा की कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है, हम पढ़ लेते हैं ओनली डेटा की कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है, हम लगा के आते हैं कंट्रोल सी। अरे साहब हमें तो मालूम है अच्छे से, लेकिन साहब आपने क्वेश्चन इससे पढ़ा ही नहीं,
क्वेश्चन पूछा था कि डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट क्या है। यदि आप सही से पढ़ेंगे तो सही से आंसर देंगे, लेकिन पढ़ने और दोनों के लिए सही से करेंगे तो सही से आंसर देंगे। तो हमें छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना, खासतौर पर सीबीएसईटी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में, जैसे दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, तो वो बखूबी आपसे अंदर की बात पूछेंगे, क्योंकि उनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो बखूबी एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल भी जानते हैं और उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाने का पैसा है। यानी कहते हैं ना कि हम बात की खाते हैं, तो वो जो खाते हैं वो इसी बात की खाते हैं कि क्वेश्चन बनाने का ही पैसा लेते हैं। वो जो एजेंसी लेती है रहती है जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो बखूबी ऐसे क्वेश्चन बनाने के ही पैसा लेती है। और हर एग्जाम होती है, हर समय में एग्जाम होती है, कई एग्जाम चलती रहती हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं ताकि मैच कम करें, ठीक है। पर हमारा अच्छा प्रैक्टिकल रहेगा तो बखूबी हम उसको कर पाएंगे। एक और होता है क्लिप बोर्ड। कई मामलों में क्वेश्चन पूछा गया कि क्लिप बोर्ड क्या है। असल में जब भी हम डेटा को कट या कॉपी करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने सिलेक्ट करता हूँ उसको, कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल एक्स किया कट के लिए, यहाँ से डेटा तो चला गया। जब यहाँ से डेटा गया तो डेटा गया का इस समय कहाँ, जब तक हमने उसको पेस्ट नहीं किया। तो असल में कट या कॉपी की जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या करता है कि डेटा को उठाकर एक दूसरी विंडो में डाल दिया था, लेकिन वो दूसरी विंडो हमारे सामने अपेयर नहीं होती है, वो हिडन अवस्था में रहती है। यदि आप दूसरी विंडो को देखना चाहें तो आप क्लिक करें क्लिप बोर्ड। ये क्लिप बोर्ड एक दूसरी विंडो है, यहाँ से उठा करके मूव किया गया है। कट वाली स्थिति में यहाँ से डेटा मूव होता है, कॉपी वाली में यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा, प्रति बन जाती है। ये मामला पूछा जाता है क्लिप बोर्ड क्या करता है, या डेटा कट या कॉपी करते हैं तो वो प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर कहीं डेटा का जाना वाना नहीं होता, डेटा उठा करके मूव हो जाता है और यहीं से आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी फाइल में ला सकते। जब प्रोसीजर कंट्रोल वी वाला होता है तो कंट्रोल वी में क्या होता है, कीबोर्ड ने कोई डेटा नहीं रखा था, असल में डेटा हमारा रखा था क्लिपबोर्ड व्यूअर ने। तो कंट्रोल वी वह प्रोसीजर है इसमें क्लिपबोर्ड से डेटा आउट करके इस डॉक्यूमेंट फाइल में आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लिपबोर्ड सॉरी डेटा कॉपी या कंट्रोल वी क्या करता है, तो हम पूछा जाएगा हमसे क्या पेस्ट करता है। बिल्कुल पेस्ट करता है, लेकिन हमेशा दिखता है। असल में यदि उसमें ऑप्शन पूछा है कि क्या क्लिपबोर्ड से डॉक्यूमेंट फाइल में अपेयर करता है, तो सही आंसर कंट्रोल वी पेस्ट करना नहीं होगा, सही आंसर होगा कि क्लिपबोर्ड से उठा करके यहाँ लाता है। ये इंटरनली बात है, जो असल बात है सत्य बात है वो ये है, फिर हमारा क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे, तो ये क्लिपबोर्ड व्यूअर है, यहाँ से हम जो भी कट या कॉपी पेस्ट करते हैं वो डेटा यहाँ चला जाता है, यहाँ से वापस हम डॉक्यूमेंट फाइल में उसको ला पाते हैं। और यदि हमने इस बीच में उसको क्लियर ऑल कर दिया, जैसे हमने कट किया, उदाहरण के तौर पर मैं करके बता देता हूँ कि आपने कट किया या कॉपी किया, ठीक है, मैं कट ही कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स हट गया, हटने के बाद कहाँ गया, क्लिपबोर्ड व्यूअर में। अब आपने सेकंड पोजीशन जो ली वो क्या किया कि यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया। अब आप पेस्ट करके देखें, यदि पेस्ट कोई प्रोसीजर है तो करके देखा आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो कंट्रोल भी लगा के आई गई, आपको बताएंगे हमने तो कट किया था साहब, अभी तो हमने डिलीट किया ही नहीं, वो तो होना चाहिए कहाँ, वो क्लिपबोर्ड में ही रहता है, हमने वहाँ से हटा दिया, अब आप उसको नहीं ला सकते। चलिए, तो ये छोटा सा ऑप्शन था लेकिन काफी उपयोगी भी है और क्वेश्चन भी इसमें से पूछे आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला आता है फोन पे के लिए। हमें किसी भी डेटा का फॉन्ट बदलना है, जैसे अभी हमने चेंज किया भी था, तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, देखो अब हमने सिलेक्ट किया, देन ये है फॉन्ट हमारा। तो फॉन्ट विंडो, अब इसमें जो भी फॉन्ट है जिस भी लैंग्वेज के, इसमें हिंदी डले हैं तो हिंदी आ रहा है, तो हिंदी का फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी सिलेक्ट किए गए डेटा को आप फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हो, हिंदी का इंग्लिश कर सकते हो, हालांकि अभी पढ़ने में नहीं आएगा क्योंकि हिंदी का बनावट दूसरा होता है, उसके लिए आपको हिंदी में टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फॉन्ट में वैसे गूगल इनपुट टूल है तो उसमें इंग्लिश में वो अलग मामला है, वो कन्वर्ट करके देता है, पर यदि ऐसे यहाँ पर हम बात करें तो हिंदी में हमें टाइप करना पड़ेगा। फॉन्ट का यदि साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर दे रखा है साइज, जो भी आपको साइज 72 तक का तो दे रखा है, लेकिन बाद में आगे नीचे डॉट डॉट भी दे रखा है, जैसे डॉट डॉट को आप लेंगे तो नहीं दिखाई देगा, मैक्सिमम हम देखें तो 72 होता है, लेकिन यदि सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो ये साइज और बढ़ती जाएगी। तो कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉन्ट की साइज 999 तक था, शायद अब 1638 कर दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है, अब डेटा गया कहाँ, वो इतना बड़ा डेटा हो गया है कि अब हमारे पेज में आने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। पहले 999 तक का साइज साइज में उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने वालों का कोई ठिकाना नहीं।
क्या पूछ सक पूछ ले वो। चल बढ़ते आगे। तो होम टैब में ही यहां से भी आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, देन डिक्रीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहां पर ये आइकॉन देखो, इस आइकॉन में भी अधिकतर दिया गया ए और ए, यानी ये है केस सेंसिटिव के लिए, केस के लिए, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस के लिए। हमने अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमने डेटा नॉर्मल केस में लिखा है, हम इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो केस में जाइए और यहाँ मिलेगा आपको अपर केस, सारा एक सा डेटा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको हटा करके वापस टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामले होते हैं जैसे सिंटैक्स केस, सिंटैक्स केस में पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल, ये पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल और, जैसे वेन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वेन कैपिटल है बाकी स्मॉल, तो सिंटैक्स जहां से स्टार्ट होगा वहां का सिंटैक्स केस यानी पहला कैपिटल बाकी स्मॉल हो जाएगा, वो हमारा सिंटैक्स केस होता है। ठीक है, तो केस के मामले में, कई मामले में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे ये टॉगल केस का कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि नॉर्मली केस हम लिखते हैं तो कैपिटल होता है, स्मॉल होता है ना, लेकिन टॉगल केस भी होता है जिसमें पहला स्मॉल होगा बाकी कैपिटल हो, सारे कैपिटल है लेकिन पहला स्मॉल है, आवश्यकता कहाँ लगती है ये तो मैं नहीं मालूम, लेकिन केस का एक दायरा यहाँ पे इस प्रकार का दिया कि पहला स्मॉल बाकी के कैपिटल, ठीक है। और ये एग्जाम में बना दिया जाता है कि इस केस को क्या बोलेंगे, तो हमें ध्यान रखना है उस केस को टॉगल केस बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल इको वर्ड है तो इसमें इको वर्ड स्थिति में आ जाएगा, और लोअर से पूरा स्मॉल हो जाएगा, देखो इसमें कोई कैपिटल नहीं है, सारा लोअर केस है, तो इस केस को हम लोअर केस बोलेंगे। कैपिटल इको में कैपिटल हर एक का कैपिटल होगा, सेंटेक्स केस में जहां से सेंटेक्स स्टार्ट हो रहा है वहीं पर कैपिटल होगा, और इको में पहला सभी का, देखो सेव का एस कैपिटल है, टाइम का, आई का, डब्ल्यू 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 एन सब कुछ, ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल इको कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है, तो एक एक सभी में लाइन लिख देंगे, सेम लाइन कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन एक में सभी स्मॉल होंगे, एक में पहला कैपिटल बाकी सभी स्मॉल होंगे, एक में हर एक में कैपिटल होगा, कैसे पता करेंगे, जो हमने प्रैक्टिकल किया तो पता कर पाएंगे। बखूबी से क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, पर सब अंदर की बातें हैं, प्रैक्टिकल्स के आधार पर तो डिपेंड करता है। क्वेश्चन रटोगे लेकिन कब तक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने वाली स्थिति नहीं होती है, 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन रटोगे तब जाकर के सिर्फ पासिंग मार्क्स से देख पाओगे, प्रैक्टिकल रहेगा तो आगे काम भी आएगा। कई मामले ऐसे होते हैं जब हमें कैपिटल स्मॉल डेटा होता है फिर हम चेंज करें तो बोले टाइप करो ना जी ना, एडिट करो ना जी ना, सिलेक्ट करो देन अप्लाई करो, ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक छोटा सा आइकॉन दिया गया है ए, और उसके ऊपर इरेजर का आइकॉन बनाया गया है, इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट है उसको डिलीट नहीं कर रहा है, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन होता है, लेकिन यदि आपने टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग कर रखी, उदाहरण के तौर पर हमने कुछ डेटा को सिलेक्ट किया, इसको साइज बड़ा कर देता हूं मैं, बोल्ड भी हम कर देते हैं और इसका कोई भी कलर लागू कर देते हैं, इसी प्रकार कोई डेटा हमने सिलेक्ट किया बोल्ड इटैलिक भी कर दिया और साइज भी बढ़ा दिया, देन फॉर्मेटिंग भी हम कोई कर देते हैं, ये इस प्रकार से हमने किया। अब हमारा इस प्रकार का पूरा डेटा हो गया और भी कोई डेटा है, ये बड़ा अटपटा सा दिख रहा है, हम चाहते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं, सब गड़बड़ हो गया, डेटा डेटा वही चाहते हैं लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो सब ठीक ठाक नहीं रहा, तो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पर क्लियर को क्लिक करिए, जो फॉर्मेटिंग है वो सब खत्म कर देगा, डेटा रहेगा इसमें, हाँ कैपिटल स्थिति में कैपिटल में रहेगा लेकिन जो कलर्स थे, डिजाइनिंग थे, स्टाइल्स थी, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न आइकॉन का यूज क्यों करते हैं, और क्वेश्चन बनाने वाले कंप्यूटर वाले में तो ऐसे आइकॉन, क्योंकि उनको कट कॉपी तो करना है, ये आइकॉन मुझे कट करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है, आप जो भी खुला हो जहां से बनाना है, आप कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन होता है स्क्रीन शॉट लेने के लिए, ये प्रिंट स्क्रीन शॉट है, इसको आप क्लिक करिए, जो भी है वो खुला हुआ वो कैप्चर हो जाएगा, फिर हम प्रेस करते हैं, जैसे मैं पेन ब्रश ओपन करता हूँ, पेन टैब हमने इसको ओपन किया, कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो जो कैप्चर हुआ था ये पेस्ट हो गया, देखिए ये पेन टैब विंडो है और ये हमारा एमएस वर्ड है। अब इस एमएस वर्ड में हमें इस छोटे से आइकॉन को चाहिए, तो हम सेलेक्ट पे जाएंगे और इतना इतना सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया,
कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं और इसी में यहीं पर बाकी की हमें जरूरत नहीं है तो बाकी विंडो को मैं छोटा कर देता हूँ, एकदम छोटा कर देते हैं ये, और कंट्रोल ए करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए तो जो आपने लिया था वो पेस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो मैग्नीफायर से इसको जूम करके देख सकते हैं, वो ज्यादा छोटा हो गया शायद, वो पिक्सल फट गए क्योंकि बहुत छोटा आइकन था, वो बड़ा करेंगे तो पिक्सल ऐसे आएंगे। बाकी हमने एक छोटे से आइकन को निकाल लिया तो एग्जामिनर को, क्वेश्चन देने वाले को, डिजाइनर को ज्यादा समय नहीं लगता है, उनको बहुत आसानी से ये बना सकते, तो सब कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते, कैसे भी पूछे जा सकते। बड़े आगे अगला है बोल्ड करना है डेटा को, तो शॉर्टकट है कंट्रोल बी और यहाँ पर ऑप्शन दिया है बी, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक हल्का सा टेढ़ा करना है हमें, इटैलिक है। अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन, अंडरलाइन की भी स्थिति बना दी गई कि अंडरलाइन कैसी चाहते हैं आप, ये सारे ऑप्शन है, डॉटेड लाइन आ रही है, अंडरलाइन डॉटेड आ रही है, ठीक है। तो अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं, अंडरलाइन में भी आपको कोई बदलाव करना, उदाहरण के तौर पर मोर अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से आप वही बदलाव कर सकते हैं, उसमें कलर वगैरह भी करना है तो कलर बाहर से कर पाएंगे, अंडरलाइन का कलर यहाँ से कर पाएंगे अंडरलाइन कलर, जो कलर आपको देना है वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कलर यहाँ पर कर पा रहे हैं। इसके बाद यहीं पर स्टिक होता है, कई बार टेक्स्ट में हमें टेक्स्ट को स्टिक खींचना होता है, लाइन खींचना होता है, इस प्रकार की, तो अंडरलाइन नीचे आती है, स्टिक जस्ट ऊपर आती है। पूछा भी जाता है कि निम्न लाइन को क्या कहेंगे, स्टिक, अंडरलाइन, सब स्टिक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिकल के बेसिस पर, यानी कहने का सबका मतलब है कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ये भी कई मामलों में पूछा गया, जैसे आपको ट्वेल्थ लिखना, हालांकि एमएस वर्ड में ट्वेल्थ जब आप लिखेंगे तो टी एच ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। आपको ऑक्सीजन का सूत्र लिखना है O2, तो 2 हमारा सब स्क्रिप्ट है, तो 2 को नहीं लेता है ये, तो हमें 2 को हमें नीचे करना है हल्का सा, टू को सब स्क्रिप्ट पे डालना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऊपर जाने के सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट। इसके बाद यहाँ पर होती फॉर्मेटिंग, जो 2013 में दी गई, 7 में शायद जो कन्फर्म नहीं, यहाँ का नहीं, वर्ड आर्ट में ये अवेलेबल है, लेकिन अब टेक्स्ट के ऊपर दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ये रोचकता के साथ में इसको दिया गया है, तो डेटा पर इससे स्पेशल आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप सिलेक्ट करिए, फॉर्मेटिंग भी दीजिए, यहाँ पर जो भी फॉर्मेट आपको लेना है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए, ये कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, इसमें भी शेडो, आउटलाइन चाहते हैं नहीं चाहते हैं उस आउटलाइन का, नो कलर, जैसे अभी आउटलाइन है ये देखिए आउटलाइन आ रही है, हम नो आउटलाइन कर देंगे, तो आउटलाइन जब हटेगी तो फॉन्ट प्रॉपर दिखाई देगा, तो कई मामलों में हमें आउटलाइन चाहिए रहती है, कई मामलों में हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, शेडो है, कलर लाइन है, लेकिन डेटा टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन यहाँ पर नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आउटलाइन, आउटलाइन पर्टिकुलर किसी कलर में चाहिए तो आप देख पा रहे हैं ये कलर है, ये आउटलाइन का कलर है, जो भी आप लेंगे, रेड लेंगे तो रेड हो जाएगा, इसमें और इसमें अंतर है क्योंकि ये आउटलाइन के साथ में, ये विदाउट आउटलाइन। इसी प्रकार यहीं पर शेडो लाइन, शेडो भी है, पीछे छाया जो बनती है तो दूसरा शेडो आप दे दीजिए, देखिए अभी चेंज हो गया है शेडो का स्टाइल, यहाँ पर चेंज हो गया डेटा टेक्स्ट, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, तीनों में बहुत अंतर है। तो कैसे हुआ, तो डेटा की फॉर्मेटिंग, तो पहले ये ऑब्जेक्ट पर लागू था, यानी वर्ड आर्ट के अंतर्गत लागू था, इसमें एक प्रकार के डेटा टेक्स्ट पे नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद के वर्जनों में वर्ड आर्ट पे भी है, और आपके यानी वर्ड आर्ट एक ऑब्जेक्ट बनता है डेटा और टेक्स्ट पर भी, तो हम ये देख रहे हैं डेटा और टेक्स्ट के ऊपर है ना। इसी प्रकार ग्लो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, डेटा टेक्स्ट के पीछे ग्लो आएगा, जिस भी कलर का ग्लो आपको देना, तो ग्लो का खास तौर पे यूज करते हैं कि यदि आपके पास जो कलर है बैकग्राउंड का वो मल्टी कलर है, मिक्स कलर है, जिस इमेज में आपके मल्टी कलर होंगे उसके ऊपर डेटा को रखना या शो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक पिक्चर यहाँ पर लेते हैं, इंसर्ट में, पिक्चर में, इस डिवाइस से हमें पिक्चर ले लेते हैं, जैसे हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं या ये वाली पिक्चर, इसमें तो दिख जाएगा मल्टी कलर हमें चाहिए, तो इस इमेज में मल्टी कलर है, ये पिक्चर हमने लिया,
और इस पिक्चर को बैकग्राउंड में पहुंचाने के लिए यहीं पे एक छोटा सा आइकॉन है, इसको मैं क्लिक करके और बिहाइंड टेक्स्ट कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो डेटा है यहाँ कलर के कारण उतना दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें ग्लो कर सकते हैं। जैसे ये व्हाइट है, अब ये बैकग्राउंड के साथ मैच कर गया, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करें, हमें ये कलर यही चाहिए, उस स्थिति में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्लो पे जाएंगे और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ग्लो के हैं। अब ये ग्लो में भी देखिए आप इतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, हल्का सा तो आ गया क्योंकि पीछे ग्रीन कलर है, व्हाइट के बीच में, व्हाइट और व्हाइट के बीच में ग्रीन आ गया, तो ये इफेक्टिव हो गया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, फिर इसको आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस पे जाइए, ग्लो पे जाइए और यहाँ पर ग्लो ऑप्शंस को क्लिक करिए, तो ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आप ग्लो का एक तो साइज बढ़ा सकते हैं, अच्छा नहीं चल रहा, तो ये ग्लो का साइज बढ़ जाएगा, ये ग्लो साइज बढ़ रहा है, तो इससे टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, आपको साइज यही चाहिए, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पीछे का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 60% है, इस ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिए तो ये डार्क हो जाएगा। कलर हमें दूसरा चाहिए, जैसे हम ग्रीन कलर अभी लिए थे तो ग्रीन चाहिए। अब देखिए आप पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ में ग्लो जुड़ गया, तो क्या होगा, मल्टी कलर के होने के बावजूद भी आपका टेक्स्ट इफेक्टिव हो जाएगा, टेक्स्ट पढ़ने में आ जाएगा। कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर हमें उसी इमेज के ऊपर, यानी उसी कलर, हमें कलर चेंज करना ही नहीं है क्योंकि वो इमेज है और वही इमेज रखना है, तो ऐसी स्थिति में आप इस ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की फॉर्मेटिंग थी। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी डेटा को हाईलाइट करना, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, इनको सबको करने, नंबर स्टाइल वगैरह भी है, तो ये करके देख लेना एक बार, बेसिक चीजें हैं नंबर के ऊपर, 3D वगैरह भी, इनको आगे हम देखेंगे। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी डेटा को हाईलाइट करना है तो आप सिलेक्ट करिए और ये हाईलाइटर है, ये हाईलाइट कर, हालांकि 3D और सॉफ्ट एज ये भी फॉर्मेटिंग है डेटा की, जिसमें साइज वगैरह कुछ मामले इस पर लागू होते हैं, कुछ नहीं होंगे डेटा टेक्स्ट के ऊपर 3D इफेक्ट, तो ये हम वर्ड आर्ट में देखने वाले हैं। इसके बाद ये फॉन्ट का कलर है, तो फॉन्ट का कलर अभी देखो चेंज हो गया, इसका जो भी कलर करना सिलेक्ट करिएगा और फॉन्ट का कलर, अभी दोनों मिक्स हो गए थे इसलिए, बाकी हम जो भी कलर रेड दे दिया, तो ग्रीन के ऊपर रेड का कॉम्बिनेशन भी ठीक रहेगा, बाकी व्हाइट और ज्यादा लाइट होता है और येलो और ज्यादा लाइट होता है, तो ये दोनों कलर डार्क के ऊपर या इस प्रकार के कलर के ऊपर चले जाएंगे। कॉम्बिनेशन अधिकतर फॉन्ट का डिजाइनिंग का ऐसा हो कि एक डार्क होगा तो एक लाइट आपको सेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलर जो से मिलते जुलते ऐसा सेट हो जाए, वो डिजाइनिंग जब आप करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो बखूबी आएगा। तो ये था हमारा फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, डेटा डिजाइनिंग स्टाइल, यहाँ तक का प्रैक्टिकल करिए, कल से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे।